ओम शांति। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। एक बार फिर से मैं उपस्थित हो चुकी हूँ एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। आशा करती हूँ कि आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आप सभी भाई बहनों को जरूर पसंद आएगी और आप लोग इस वीडियो से शिक्षा लेकर जरूर अमल करेंगे। तो आज की मोटिवेशनल वीडियो की टॉपिक है कुछ अच्छे विचार औरतों के लिए। तो अब अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पत्नियों को अपने पति का सम्मान करना चाहिए। जहां पति का सम्मान ना हो वह स्थान पत्नी को त्याग देनी चाहिए, चाहे वह उसका मायका ही क्यों ना हो। पत्नी का कर्तव्य यह भी होता है कि अगर पति कुछ गलत करने जा रहा है तो उसे रोके, उसे सही और गलत का फर्क समझाए। अगर पत्नी को पति के साथ खुश रहना है तो सबसे पहले दूसरों की बुरी बात पर ध्यान मत दो। पत्नियों को हमेशा पत्नी की मर्यादा में ही रहनी चाहिए। पति की गर्लफ्रेंड खुद को ना समझना चाहिए। अगर कोई भी पत्नी अपने आप को पत्नी ना समझकर पति की गर्लफ्रेंड समझ रही है तो वह ऐसा करके खुद को कमतर समझती है। पत्नियों को अगर वैवाहिक जीवन में सदा खुश रहना है तो कभी भी अपने पति की तुलना किसी अन्य पुरुष से नहीं करनी चाहिए। पत्नियों को हमेशा अगर पति से सच्चा प्रेम चाहिए तो हमेशा अपने पत्नी धर्म का पालन करते रहना चाहिए। कभी भी अपने पति से कोई भी बात ना छुपाएं और ना ही झूठ बोलें। अगर पत्नियां चाहती हैं कि उनके वैवाहिक जीवन हमेशा सुखमय हो तो सबसे पहले उनको गरीबों की मदद करनी चाहिए। सभी बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करते रहना चाहिए। असहाय, निर्बल, अपंग इंसान की मदद करती रहनी चाहिए। बहू को हमेशा ससुराल में सभी का आदर करनी चाहिए। बहू बनकर हमेशा अपनी जिम्मेदारी सही से निभाना चाहिए। हमेशा सास, ससुर, जेठ, ननद, देवर सभी की आदर करनी चाहिए। पत्नी को हमेशा पति के साथ मीठे स्वर में बात करनी चाहिए, क्योंकि पत्नी का एक मीठा स्वर ही पति की दिन भर की थकावट को दूर कर देता है। पति अगर जाहिर ना करे तो यह ना समझें कि पति को अपनी पत्नी से प्रेम नहीं है। किसी किसी मर्द को प्यार जताना भी नहीं आता। एक अकलमंद औरत वह होती है जो अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां सही से निभाए। एक अकलमंद औरत वह होती है जो अगर उससे कोई गलती हो जाए तो अपनी गलती को समझे और अपने पति से तुरंत माफी मांगे, पूरी सच्चाई के साथ गलती स्वीकार करते हुए। एक अकलमंद पत्नियां हमेशा अपने पति के आर्थिक स्थिति को समझती है और उनकी हैसियत से ज्यादा मांग ना करती है और ना ही खर्च करती है। एक समझदार पत्नी हमेशा अपने पति की अनुमति के बिना किसी गैर को अपने घर ना आने देती है और ना ही किसी गैर के घर जाती है। सभी पत्नियों को यह बात समझनी चाहिए कि उनके पति हमेशा दिन रात मेहनत करते हैं अपने पत्नी और अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। इसलिए पत्नियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि अपने पति की मेहनत और ईमानदारी पर हमेशा गर्व महसूस करे और उनकी आदर करे। पत्नियों को हमेशा यह बात समझनी चाहिए कि पति से बिना मतलब का झगड़ा ना करें और ना ही उन पर शक करें। पति वही इंसान होता है जो बात अगर अपनी पत्नी की इज्जत पर आ जाए तो अपनी जान की बाजी भी लगा देता है। एक समझदार औरत अपने ससुराल की बातें मायके में नहीं करती और मायके की बातें ससुराल में नहीं करती हैं। जो पत्नी बात बात पर अपने पति को उनके माता पिता से या उनके भाई बहनों से दूर करती है वह अपने पति की नज़र में अपनी इज्जत कम कर लेती है। जो पत्नी अपने पति को बात बात पर ताना मारती है या उनका अपमान करती है वह अपने पति के नज़र में अपनी इज्जत कम कर लेती है। कोशिश कीजिए एक अच्छी औरत बनने का, एक अच्छी पत्नी बनने का, एक अच्छी बहू बनने का, एक अच्छी माँ बनने का। आशा करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। प्रणाम।